गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक कॉम्पिटिटिव अलाहाबाद। आज मैं बात करने वाला हूं मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होती है, क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है भैया मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होती है। तो ये क्या होती है कि जोसा जो है वो आपके प्रेफरेंस ऑर्डर को देखती है और वो ऊपर से देखती है कि आपको कौन से कॉलेज मिल सकता है। वो आपको अप्रॉक्स बता मतलब आपको बताती है अप्रॉक्स कि आपको ये मिल सकता है, कन्फर्म नहीं बताती बट आपको बताती है कि जो फर्स्ट राउंड होगा या सेकेंड राउंड होगा उसमें आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं। तो ये दो मॉक सीट अलॉटमेंट होते हैं, एक फर्स्ट होता है दूसरा सेकंड होता है, जिसमें कि फर्स्ट में आपको बताया जाता है कि ये आपको मिल सकता है। फिर आपने अगर आपको चेंज करना है प्रेफरेंस ऑर्डर, जो आपको मिल रहा है वो आपको नहीं लेनी है, तो आप क्या करोगे प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज करोगे तो फिर दूसरा मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। अब जो आपको मिल रहा है अगर मान लो आपको वो भी नहीं लेनी है, तब भी आपके पास एक दिन समय होता है जिसमें कि आप अपने चॉइस को चेंज कर सकते हो, फिर आप उसको लॉक कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कि आप ध्यान से चॉइस फील करें और देखें कि आपको मॉक सीट अलॉटमेंट में क्या मिल रही है और क्या नहीं मिल रही है। मतलब जैसा कि मैंने अपने पिछले जब मेरे को चॉइस फील करा था मैंने और मेरा सीट मॉक सीट अलॉटमेंट हुआ था, तो मेरे को IIIT लखनऊ में CSAI मैंने ऊपर रखा था IIIT इलाहाबाद के इसी से। तो मॉक सीट अलॉटमेंट मेरे को IIIT लखनऊ का CSAI मिल गया था, बट मेरे को फिर लगा कि मेरे को नहीं लेनी चाहिए, मेरे को उसमें कुछ अच्छी चीज़ें नहीं लगी जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो उसको मैंने फिर नीचे कर दिया और IIIT इलाहाबाद के इसी को ऊपर कर दिया, तो मेरे को IIIT इलाहाबाद का इसी ही मिल गया। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो और उसका फ़ायदा उठा सकते हो मॉक सीट अलॉटमेंट का। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और आपको समझ में भी आ गई होगी क्या होती है मॉक सीट अलॉटमेंट। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जे एडवांस के रिजल्ट आ चुके हैं, मैं इस पर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ कि अब जे एडवांस खत्म हो चुका है, आप आगे क्या, तो उस वीडियो वो भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।